दर्शकों में आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है सुबह की कुछ अहम और खास खबरों का। कासगंज में आज बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के लिए टीचरों के लिए साक्षात्कार किया गया, जिसमें 27 लोगों का साक्षात्कार कराया गया और 75 लोगों की काउंसलिंग की गई। मेरिट के आधार पर कुल काउंसलिंग के लिए 102 लोग उपस्थित हुए। साक्षात्कार में 6 लोगों की कमेटी गठित की गई, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक व डाइट प्राचार्य व SDM व मनोविज्ञान के प्रोफेसर साक्षात्कार में मौजूद रहे और सभी लोगों से बुला बुलाकर साक्षात्कार में मौखिक रूप से भी पूछा गया। जैसा आज ये के संबंध में ये लोग कुछ भीड़ दिखाई दे रही है DSA ऑफिस पर, तो ये सर अभ्यर्थी के संबंध में आए हुए हैं? आज कस्तूरबा गांधी में जो पद रिक्त है यहाँ के जो बालिका विद्यालय है जी, उनका साक्षात्कार और उनकी काउंसलिंग होनी है जी। 102 कैंडिडेट हैं, जिसमें कि 75 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी की काउंसलिंग होनी है और 27 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका की इंटरव्यू होना है। जिसमें अलग अलग पद हैं, तो कुछ पदों के लिए इंटरव्यू और कुछ पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। तो उस काउंसलिंग कमेटी में 6 लोग हैं, जिसमें कि CDO साहब अध्यक्ष हैं, डाइट के प्राचार्य, DIO साहब, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर और मनोविज्ञान के एक मेंबर। इन 6 लोगों की कमेटी बनी हुई है जो कि साक्षात्कार लेगी। उसी साक्षात्कार के लिए यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल सारे कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इन लोगों को भीड़ भाड़ से हटा दिया गया है। ग्राउंड में अपना दूर दूर बैठ के और इनका इंटरव्यू अभी संपन्न करा लिया जाएगा। जैसा ये इंटरव्यू आज ही होगा या फिर आगे और भी चलेगा? नहीं, आज ही होगा। आज ही सभी लोगों का हो जाएगा? आज ही हो जाएगा। जी सर, और ये सर इंटरव्यू क्या बजे से क्या बजे तक चलेगा? ये 11 बजे से शुरू होगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। जी ठीक, धन्यवाद।